सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बहुत पवित्र पावन जग प्रसिद्ध भाई दूज के विषय में हम चर्चा करेंगे। कार्तिक मास तमाम त्योहारों से भरा हुआ मास है। कार्तिक मास बड़ा पवित्र मास है। सनातनियों में कार्तिक मास का बहुत महत्व है। वैसे भी अनेक सिद्धियाँ, भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत कथा, भगवत भजन, बहुत श्रेष्ठ मास ये है। इनमें करने से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है, भगवत प्राप्ति भी होती है। आज हम इस वीडियो में भैया दूज के विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन बहनें जितनी भी सुन रही हैं बड़े मन लगाकर इस वीडियो को सुन लें, इसलिए क्योंकि इसमें आप अपने भाई के हित के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। जैसे रक्षाबंधन पर भाई ये वचन देता है कि मैं अपने बहन के मान सम्मान की रक्षा करूंगा, वैसे ही भैया दूज वाले दिन बहन भी अपने भाई के अकाल मृत्यु से बचाने का प्रयास करती है। क्यों? बहन के लिए स्त्री जीवन में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक पिता, एक पुत्र, एक पति, और इन सब से बहुत क्लोज होता है मेरे विचार से। पुत्र से तो ज्यादा हम नहीं कह सकते, पर हाँ भाई भी बहुत क्लोज बहन के होता है। तो इसलिए जैसे माताएं बहन अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, जैसे अहोई अष्टमी का व्रत अपने पुत्र के लिए करती हैं, वैसे ही बहनें अपने भाई के लिए भी व्रत करती हैं। तो व्रत तो नहीं भैया दूज पे तो नहीं, पर हाँ प्रार्थना अवश्य हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम बात बता रहे हैं कि एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे थे, और अपने बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया था। कि लगता है ना कि एक चलो कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, तो वैसे ही यमराज ने नरक में उस समय कुछ लोग होंगे उनको निकाल दिया, और वो निकाल कर उन्हें नरक से बाहर करके मुक्त करके चले गए। बहन यमुना ने अपने भाई को आया हुआ देखकर और इतना सत्कर्म करते हुए, क्योंकि नरक में तो यातनाएं मिलती है ना, मनुष्य दुखी होता है, उन दुखों से मुक्ति दिलाकर अपने भाई को अपने घर पे आता हुआ देखा, बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने 56 भोग 3600 व्यंजन बनाकर अपने भाई का सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया, बाल पर तिलक लगाया। आज ही के दिन शुक्ल द्वितीया जो है, शुक्ल कार्तिक मास में भैया दूज के दिन उन जब यमराज पहुंचे थे तो उन्होंने तिलक लगाया कि उनको भोजन इत्यादि कराया, और बहुत सुंदर। उसी समय यमराज ने ये वचन भी दिया था कि जो आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे भाई बहन, उनको नरक से उसी समय मुक्ति मिल जाएगी। तो रक्षाबंधन भाई दूज का पर्व भाई बहन के लिए होता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पे मनाने वाले जो भी भाई बहन हैं वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। बहन अपने भाई के सुख और समृद्धि के लिए कामना करती है। इस बार भैया दूज 15 नवंबर को है और तिलक लगाने का मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप एक और बात सुन लें, भाई दूज के दिन भाई बहन को पवित्र नदी यमुना में स्नान करना चाहिए। इसमें दोनों के जीवन की खुशहाली बनी रहती है और लंबी उम्र का वरदान मिलता है। साथ ही इस दिन संध्या काल में बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, ये उपाय बड़े ध्यान से सुन लें। संध्या काल के समय चौखट पे, देहरी पे यमराज के नाम का चौमुखी दिया, आटे का दिया बनाएं, उसमें 4 बत्ती लगाएं, घी का दिया बनाएं, और द्वार पर जाकर देहरी के बाहर उसे हम लोग जला कर रखें और अपने भाई की मंगल कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें हम मुहूर्त भी बता दें, 15 नवंबर को सुबह 10:40 से लेकर जो अपनी बहन को अपने भाई का तिलक करना चाहिए, शुभ मुहूर्त है 10:40 से 12 बजे तक। फिर से ध्यान से सुन लें, ये वो अर्ली वाला भी नहीं है, बड़े आराम से आप लोग स्नान ध्यान करके भी 10:40 पे आप अपने भाई को तिलक करें, लेकिन ध्यान रखें 12 बजे तक ही शुभ मुहूर्त है। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भैया बहन हैं सनातनी, यमराज के बंधन से, यमराज के कष्टों से, नरकों के कष्टों से उनको मुक्ति मिले, और आप हमेशा
अपने परिवार में वो भाई बहन वाली रोल चोल बनाए रखें, क्योंकि भाई के बिना बहन का जीवन शून्य है और बहन के बिना भाई का भी जीवन शून्य है। दोनों ही ये जो संबंध है, हम बचपन से साथ में बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, बहन की जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, राधे राधे।